आज हम पढ़ेंगे बटर ऑयल के बारे में डिटेल में, जो कि एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का एक टॉपिक है, एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के यूनिट 3 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का भी एक टॉपिक है। इसमें आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ बटर ऑयल, कंपोजिशन ऑफ बटर ऑयल, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बटर ऑयल, डिटेल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटर ऑयल एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ बटर ऑयल, जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ बटर ऑयल एंड डिफेक्ट्स इन बटर ऑयल, देयर कॉसेस और देयर प्रिवेंशंस। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कन्वर्जन ऑफ बटर और क्रीम इनटू बटर ऑयल इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फैट इन द एब्सेंस ऑफ रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज। जब हम कन्वर्ट करते हैं बटर और क्रीम को बटर ऑयल में, ये एक कन्वीनियंट मेथड बन जाता है। फैट को प्रिजर्व करते हैं हम जब हमारे पास रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की एब्सेंस होती है। डेफिनेशन। बटर ऑयल रेफर्स टू द फैट कंसनट्रेट ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम बटर और क्रीम बाय द रिमूवल ऑफ प्रैक्टिकली ऑल द वाटर और सॉलिड नॉट फैट कंटेंट। जो बटर ऑयल होता है वो फैट कंसनट्रेट होता है जो कि हमें मिलता है बटर या फिर क्रीम से। रिमूव करते हैं जब हम उसमें से सारा का सारा वाटर और सॉलिड नॉट फैट कंटेंट को। ठीक है, जो ये मिल्क फैट है, मिल्क फैट एंड अनहाइड्रस मिल्क फैट और ड्राई बटर फैट है एंड डिहाइड्रेटेड बटर फैट है, इसको सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है विद बटर ऑयल। बट द रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रेपरेशन इज़ यूजली क्रीम। बट जो बटर ऑयल की प्रेपरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो क्रीम ही होती है। नाउ इज़ द कम्पोजिशन ऑफ बटर ऑयल। केमिकल कम्पोजिशन में बटर ऑयल में बटर फैट है जो वो 99.5 से 99.8% होती है। मॉइस्चर 0.1 से 0.10% होता है, 3%। एसिडिटी 0.2 से 0.5% होती है एंड परऑक्साइड वैल्यू 0.0 से 0.1% होती है। फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ बटर ऑयल। बटर ऑयल एक रिचर्ड सोर्स है मिल्क फैट का। ठीक है, तो मिल्क फैट, जितनी मिल्क फैट प्रेजेंट है उतने ही फैट सॉल्युबल विटामिंस प्रेजेंट होते हैं। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटर ऑयल। दीज आर डायरेक्ट इवेपोरेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर वैक्यूम, डिसेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन फॉलोड बाय वैक्यूम ड्राइंग और डायरेक्ट फ्रॉम क्रीम बाय डी एमल्सिफिकेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो इसमें हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल से बटर बनाने तक। ठीक है, दी फर्स्ट 3 मेथड यूज़ बटर एज रॉ मटेरियल। तो जो 3 मेथड हैं, जैसे कि डायरेक्ट इवेपोरेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर वैक्यूम, ठीक है, इन 3 मेथड्स में हम रॉ मटेरियल है जो बटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है जी डायरेक्ट इवेपोरेशन। ये एक बैच प्रोसेस होता है, मे बी कैरिड आउट आइदर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर और अंडर वैक्यूम। द फॉर्मर रिसेंबल द इंडियन मेथड ऑफ घी प्रोडक्शन। बटर इज प्लेस्ड इन अ लार्ज ओपन वैट विच कैन बी हीटेड थ्रू अ स्टीम जैकेट और कॉयल। एट फर्स्ट द हीट इज अप्लाइड स्लोली टिल द बटर मेल्ट। ये एक बैच प्रोसेस होता है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर या फिर अंडर वैक्यूम कैरिड आउट होता है। इसमें क्या होता है, इंडियन मेथड में जब हम घी प्रोडक्शन करते हैं तो बटर को एक लार्ज ओपन पैन में या फिर वैट में रखा जाता है एंड इसे स्टीम जैकेट या फिर कॉयल के थ्रू हीट किया जाता है। एट फर्स्ट द हीट इज़ अप्लाइड स्लोली, पहले तो हीट स्लोली अप्लाई की जाती है, टिल द बटर मेल्ट, जब तक बटर मेल्ट नहीं हो जाता। देन जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली रेस्ट कर दिया जाता है। बटर को हम स्टिर करते रहते हैं, जो टेम्परेचर है वो 108 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जब सारा का सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है तो रेजिड्यूअल बटर फैट को ड्रेन्ड कर दिया जाता है फ्रॉम द कर्ड एंड फिल्टर कर लिया जाता है। ठीक है, जब सारा का सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया तो रेजिड्यूअल जो बटर फैट है उसको ड्रेन कर लिया,
कर्ड से एंड फिल्टर कर लिया। देन जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ वो बटर ऑयल होता है, वो उसका जो कलर होता है वो डार्कर होता है जब हम किसी दूसरे जो मेथड्स हैं उनसे कंपेयर करें तो। एंड इसका जो फ्लेवर होता है वो भी कुक्ड फ्लेवर होता है। जो डायरेक्ट इवेपोरेशन है वो अंडर वैक्यूम होती है, डज नॉट यील्ड मच एडवांटेज आइदर इन द एफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन और इन द क्वालिटी द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इवेपोरेशन मेथड से ज़्यादा यील्ड नहीं आती है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है जी डीसेंटाइजेशन। जो डीसेंटेशन है ये एक बैच प्रोसेस है, इसमें बटर को मेल्ट किया जाता है एंड अनडिस्टर्ब्ड रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, सफिशेंट टाइम के लिए, जब तक सारी स्ट्रेटिफाइज अनटिल इट स्ट्रेटिफाइज इनटू थ्री लेयर्स, जब तक ये थ्री लेयर्स में डिवाइड नहीं हो जाता, एक तो टॉप्सकम, एक मिडल फैट और एक बॉटम सीरम। जो फैट लेयर होती है उसको ड्रॉन ऑफ कर लिया जाता है टॉप से एंड कूल्ड किया जाता है अलग से। एंड जो क्लियर सेपरेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस एंड फैट रिकवरी इज लो। एक जो इसमें क्या होता है, जो क्लियर सेपरेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस, क्लियर सेपरेशन नहीं होती एंड फैट की रिकवरी भी इसमें लो होती है। एज सच दिस मेथड इज इन इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक स्पेशली व्हेन एम्प्लॉयड ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये मेथड अनइकोनॉमिक है अगर हम इसे लार्ज स्केल पे अप्लाई करें। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड डीसेंटेशन। थर्ड मेथड है जी सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन फॉलोड बाय वैक्यूम ड्राइंग। ये जो मेथड है इसे ज़्यादा या फिर लेस कॉन्टीन्यूस मेथड भी बोलते हैं। इसमें यील्ड भी ज़्यादा होती है एंड हाई क्वालिटी होती है जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है उसकी। डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दिस प्रोसेस हैव बीन यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़। इस प्रोसेस के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो मैनी कंट्रीज़ में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए बटर ऑयल की फ्रॉम बटर से किए जाते हैं। टिपिकली इसका जो मेथड है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट रिसीविंग बटर, देन बटर को रिसीव करने के बाद उसे मेल्ट किया जाता है, उसके बाद टिपिंग इन रैंक, ऑयल को सेपरेट करना, फिर फ्लोट कंट्रोल्ड बैलेंस टैंक, फिर वैक्यूम पैन, बटर ऑयल रिसीविंग कैटल, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अब हम इसी डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बटर है उसको डंप किया जाता है बटर मेल्टर में। ठीक है, तो जो बटर मेल्टर होता है वो वर्टिकली जेक्टेड होता है स्टेनलेस स्टील से सिलेंड्रिकली टैंक फिट विद एन एजिटेटर। ठीक है, जो ये जो बटर मेल्टर है उसके उस पे वर्टिकल जेक्टेड स्टेनलेस स्टील होगी, सिलेंड्रिकली टैंक होगा जिसके साथ एक एजिटेटर भी होता है। ठीक है, इफ़ द बटर इज़ वेरी कोल्ड, अगर बटर बहुत ज़्यादा कोल्ड है एंड हार्ड है तो उसे स्मॉल पीसेस में कट करके हमें हीट करना होगा। देन अ स्टीम इनलेट टू द जैकेट इज़ ओपनड एंड द एजिटेटर रन एट लो स्पीड। ठीक है, तो जब स्मॉल पीसेस में बटर को कट कर दिया, अगर वो कोल्ड और हार्ड है तो उसके बाद उसे हीट करना है, देन जो स्टीम इनलेट है उसे ऑन कर देना है, जैकेट को ओपन कर देना है एंड एजिटेटर को लो स्पीड पे रन करना है। उसके बाद जो टिपिंग टैंक है विच इज़ इजेक्टेड एट द बॉटम इज़ फिल्ड विद क्लीन वाटर एंड हीटिंग। जो टिपिंग टैंक है जो कि इजेक्टेड होगा एट द बॉटम पे, उसे फिल करेंगे क्लीन वाटर के साथ एंड वाटर को हीट करेंगे 77 से 79 डिग्री सेल्सियस पे बाय ओपनिंग द स्टीम इनलेट ऑफ द जैकेट। जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल सेपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी जब फुल स्पीड होगी एंड हॉट वाटर फ्रॉम द टिपिंग टैंक इज रन इनटू इट। जब फुल स्पीड होगी तो जो हॉट वाटर है वो टिपिंग टैंक से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन जब वाटर कम्प्लीटली रन आउट हो जाए तो जो डिस्चार्ज वॉल्व है उससे बटर मेल्टर का वो ग्रेजुअली ओपन हो जाएगा एंड अलाउ टू मेल्ट द एंटर इनटू द ऑयल सेपरेटर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द मेल्ट इज सो रेगुलेटेड एज टू अवॉइड ओवरफ्लो, द मेल्ट इज नाउ सेपरेटेड इनटू ऑयल और सीरम। जो ऑयल फ्लो है वो फ्लोट करेगा, ऑयल फ्लो फ्लोट्स इनटू द कंट्रोल्ड बैलेंस टैंक। जो ऑयल का फ्लो है वो फ्लोट कंट्रोल्ड बैलेंस टैंक में जाएगा एंड हेंस इनटू द वैक्यूम पैन है जो ड्यू टू सक्शन होने के कारण वैक्यूम पैन में जाएगा।
वहाँ पे वो डिहाइड्रेट होगा 56 से लेके 63 डिग्री सेल्सियस तक अंडर वैक्यूम। वैक्यूम कितना? 57 से लेके 62 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन जो वैक्यूम है वो ब्रोक हो जाएगा एंड बटर ऑयल को हम अलाउ करेंगे टू फ्लो बाय ग्रेविटी इनटू द रिसीविंग कैटल, ठीक है। रिसीविंग कैटल में जो बटर ऑयल है वहाँ पे वो चला जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली वहाँ पे जाके कूल होगा, पैकेज होगा एंड स्टोरेज करेंगे एट रूम टेम्परेचर पे। फोर्थ मेथड कौन सा था बटर ऑयल को प्रोड्यूस करने का? वो था डायरेक्टली फ्रॉम क्रीम बाय डीमल्सिफिकेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन। इस प्रोसेस में एक प्रिंसिपल होता है, यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ डीएमल्सिफिकेशन ऑफ क्रीम यूज्ड इन वेरियस कॉन्टीन्यूअस बटर मेकिंग प्रोसेस। डीएमल्सिफाइड फैट को हम मेल्ट करेंगे, क्लैरिफाइड करेंगे, देन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, देन उसे वैक्यूम हीटिंग करेंगे। हाउएवर फिर हमें डायरेक्ट प्रोडक्शन हो जाएगी एनहाइड्रस मिल्क फैट की फ्रॉम क्रीम हैज़ येट टू अचीव सिग्निफिकेंट कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो अब हमने चारों मेथड के द्वारा जो बटर ऑयल था उसको प्रोड्यूस किया है। अब कूलिंग स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है कूलिंग। कूलिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बटर ऑयल को कूल करना होता है एंड क्रिस्टलाइज्ड करना होता है अंडर केयरफुली कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एज टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन क्रिस्टल्स बनाने होते हैं। जो डिज़ायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें बटर ऑयल को जो आया है उसको सुपर कूलिंग करनी होती है 13 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। साथ में स्टीरिंग करनी रहती है, ठीक है। ड्यूरिंग फोर्स्ड क्रिस्टलाइजेशन दिस यील्ड अ स्मूथ होमोजीनियस मास विच डज नॉट सेपरेट इंटू सॉलिड एंड लिक्विड लेयर्स ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। कूलिंग करने के बाद पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पैकेजिंग, जब हम पैकेजिंग करते हैं बटर ऑयल की तो केयर हमें रखनी होती है कि इसमें ऑक्सीजन है जो एक्सक्लूड हो जाए, ठीक है। शुड बी टेकन टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड रीएरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट एज इट कम्स आउट ऑफ द वैक्यूम डिहाइड्रेटेड इन अ पार्शली और कम्प्लीटली डीएरिएटेड फॉर्म। तो हमें अवॉइड करनी होती है डीएरिएशन जब ये वैक्यूम डिहाइड्रेटेड से आता है प्रोडक्ट एंड डीएरिएटेड फॉर्म में आता है। केयर शुड बी टेकन टू लीव अ मिनिमम ऑफ एयर इन द हेड स्पेस ऑफ द कंटेनर। तो हमें देखना होता है कि जो हेड स्पेस हम रख रहे हैं उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर भी ना बचे, और टू रिप्लेस या फिर जो इनर्ट गैस है उससे हम एयर को रिप्लेस कर सकते हैं हेड स्पेस में, ठीक है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में अलाउंस मस्ट बी मेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंटेनर टू यूज वाइल फिलिंग द फैट शुड रन इन टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर इन सच अ वे एज टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द एयर। टिन कैंस आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ बल्क एंड रिटेल पैकेजिंग। वुडन कास्क एंड टब्स विद सूटेबल लाइनर्स मे बी यूज। कार्डबोर्ड कंटेनर वैक्स्ड और प्लास्टिक कोटेड कैन आल्सो सर्व दिस पर्पज। नेक्स्ट इज द स्टोरेज। अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशंस जो डिहाइड्रेटेड बटर फैट है उसमें परसेप्टेबल ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर है जो डेवलप हो जाता है इन द कोर्स ऑफ मंथ में ही। इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट इथाइल गैलेट यूज़ करते हैं 0.05% इंक्रीज करने के लिए शेल्फ लाइफ 3 मंथ तक। अल्टरनेटिवली जो पैकेज है प्रोडक्ट है 1 kg कंटेनर होता है अंडर 50 सेंटीमीटर वैक्यूम प्रायर टू सीलिंग एंश्योर सेटिस्फैक्ट्री स्टोरेज क्वालिटी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज डन टू द ओरिजिनल पैकेजिंग अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशंस। मार्केट वैल्यू ऑफ बटर मिल्क। फिजिकल क्वालिटी, जो कलर होता है बटर ऑयल का, अगर हम काउ मिल्क से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीप येलो होगा, अगर हम बफेलो मिल्क से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वाइट वाइट होगा,
अगर जब सॉलिड है एंड कलरलेस होगा जब लिक्विड है। जो प्रोडक्ट हम काऊ एंड बफेलो दोनों मिल्क के कॉम्बिनेशन से यूज़ कर रहे हैं वो स्लाइटली कुक्ड होगा, कैरेमलाइज्ड फ्लेवर होगा उसका, एंड डिपेंड करेगा कि क्वालिटी कैसी है रॉ मटेरियल की जो कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन में हमने यूज़ की है। जो टेक्सचर है प्रोडक्ट का व्हेन नो स्पेशल कंडीशंस फॉर कूल्ड आर अडॉप्टेड एज पास्टी। अब हम पढ़ेंगे कीपिंग क्वालिटी ऑफ बटर ऑयल। इंट्रोडक्शन। बटर फैट है जो फ्री होता है सस्पेंडेड मॉइस्चर से, इन अम्यून टू माइक्रोबियल अटैक, बट मोर देन 0.3% वाटर इसमें अगर प्रेजेंट होगा तो मोल्ड की ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से मस्टी रैंसिड फ्लेवर है जो फैट से आने लगेगा। अगर जो बटर फैट है वो वाटर फ्री है तो ओनली डिटोरेशन है जो ओनली ऑक्सीडेशन से हो सकती है, डिवेलपमेंट हो सकती है टाउली फ्लेवर की एंड फ्रिक्वेंटली ब्लीचिंग हो सकती है कलर की। बटर ऑयल इज मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन देन बटर बिकॉज पोर्शन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन द बटर, एग्जाम्पल द फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर लॉस्ट इन द बटर सीरम। हाई ग्रेड ड्राई बटर फैट विल रिटेन इट्स क्वालिटी फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months if properly packed or stored. Influencing factors: the resistance of fat to oxidation, that is the keeping quality will depend upon. जो keeping quality है वो depend करती है copper and iron content पे, amount of air कितनी present है and holding temperature, absence of light पे and heat treatment during extraction and initial quality of butter fat. तो फर्स्ट है जी कॉपर एंड द आयरन कंटेंट। जो गुड सैंपल होता है ड्राई बटर फैट का उसमें जो कॉपर कंटेंट है वो 0.02 से 0.03 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड जो आयरन का कंटेंट है वो 0.10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट हो जाएगी ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर की। सेकेंड इज़ द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। फैट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ओनली स्लोली रिमूव फ्रॉम द फैट। वैक्यूमाइज एंड गैस पैकेजिंग हेल्प टू इंक्रीज कीपिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो ऑक्सीजन कंटेंट है बटर ऑयल में वो 0.5 ppm से लेस होनी चाहिए एंड स्टोर्ड इन नाइट्रोजन। होल्डिंग टेम्परेचर जो इसकी बेस्ट कैप्ट क्वालिटी है कोल्ड स्टोरेज की वो 5 to 10 degrees Celsius है। नेक्स्ट इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट। फैट रेडली ब्लीच हो जाते हैं एंड टॉली हो जाते हैं अगर ये लाइट से एक्सपोज हो जाएं, ब्राइट सनलाइट से। स्पेशली लाइट एक्सरेट करती है, इफेक्ट करती है कॉपर को, आयरन को एंड टॉलीनेस है जो कॉज करती है। नेक्स्ट इज़ द हीट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ड्राई बटर फैट जो कि हमने ऑब्टेन किया है डायरेक्ट इवेपोरेशन प्रोसेस से उसकी कीपिंग क्वालिटी अंडर ओपन स्टोरेज सुपीरियर होती है जब हम टू दैट ऑब्टेन बाय डिसेंटेशन और बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि बटर फैट में जो एंटीऑक्सीडेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं वो रिटेन्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियल क्वालिटी ऑफ बटर फैट। बेस्ट बटर फैट लॉन्ग स्टोरेज इज मेड फ्रॉम स्वीट क्रीम बटर। अब हमने एक प्रोसेस में पढ़ा था कि एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के पर्पस से। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं और डिले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फ्लेवर को फैट में अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो ब्रेक कर देते हैं चेन रिएक्शन को जो कि फैट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान फॉर्म होती है। जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बटर फैट में वो लेसिथन यूज़ किया जाता है जो कि डायरेक्ट इवेपोरेशन प्रोसेस में रिटेन रह जाता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंट है the resistance of butter oil of oxidation can be improved by addition of synthetic antioxidants. Synthetic antioxidants कौन कौन से हैं? नॉर डाइहाइड्रोग्लाइरेटिक एसिड जिसकी लिमिट है 0.01 से 0.05% एंड इथाइल गैलेट 0.005 to 0.01%, हाइड्रोक्विनिन 0.01 to 0.10%।
नेक्स्ट इज़ अ जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ बटर ऑयल। बटर ऑयल को हम स्कोर कार्ड से भी जज करते हैं, जैसे कि फ्लेवर के स्कोर्स हैं 45, टेक्सचर के 25, एसिडिटी 15, कलर 10 एंड पैकेज 5, तो ये टोटल हो गए 10। तो अब हम स्कोरिंग का प्रोसीजर कैसे करते हैं। एग्जामिन द कंटेनर फॉर क्लीनिनेस इन एंड इन द केस ऑफ टिन कंटेनर आल्सो डिटरमाइन वेदर दे आर रस्ट फ्री और ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड व्हेन एम्प्टीड। ठीक है, तो इसमें पहले हम कंटेनर की क्लीनलेस को देखेंगे। अगर हम टिन कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो देखेंगे कि वो रस्ट फ्री है इनसाइड से और आउटसाइड से जब वो खाली है तो। ठीक है, खाली को देखेंगे पहले हम, फिर हम कंटेनर को ओपन करेंगे एंड एग्जामिन करेंगे उसका अरोमा एंड कलर, देन उसमें हमारा स्मॉल सैंपल पोर कर देंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे टेक्सचर को, फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स है जो उससे सैंपल से माउथ में लेंगे और टेस्ट को नोट करेंगे, फिर उसकी जो एसिडिटी की परसेंटेज है उसको डिटरमाइन करेंगे, मॉइस्चर एंड परऑक्साइड वैल्यू को भी डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट क्या है हाई ग्रेड बटर ऑयल के लिए। जो पैकेज है हाई ग्रेड बटर ऑयल के लिए वो क्लीन होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए अंदर से एंड रस्ट फ्री होना चाहिए अंदर से। ठीक है, आउटसाइड से ब्राइट होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है वो डीप येलो कलर का होना चाहिए फॉर काओ फैट के लिए एंड वाइट कलर का होना चाहिए विद द ग्रीनिश टिंगो फॉर बफेलो फैट के लिए। अ फाइन क्रिस्टलाइन टेक्सचर, अ करेक्टरिस्टिक ब्लेंड स्मेल एंड बटर लाइक प्लीजेंट टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिफेक्ट इन बटर, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। बटर ऑयल में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, क्यों आते हैं एंड उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द ब्राउनिश कलर आ जाता है। क्यों आता है, जब हम कर्ड के पार्टिकल्स को ओवरहीट कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन इन डायरेक्ट इवेपोरेशन मेथड में। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लेरिफिकेशन को अडॉप्ट करना होगा, कम वैक्यूम मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज़ अ कोर्स टेक्सचर आ जाता है बटर ऑयल का। क्यों आता है, क्योंकि कूलिंग है जो स्लो रेट पे होती है आफ्टर प्रोडक्शन, तो कोर्स टेक्सचर आ जाता है, तो फास्ट रेट पे कूलिंग करनी होगी। नेक्स्ट इज़ अ रेंसिड फ्लेवर। रेंसिड फ्लेवर जो फैट्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता है ड्यू टू लाइपेज इन मिल्क क्रीम एंड बटर। ठीक है, तो हमें लाइपेज की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करना होगा बाय करेक्ट पैश्चराइजेशन ऑफ मिल्क और क्रीम। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडाइज्ड ऑयली या फिर मेटालिक टॉली फ्लेवर आ जाता है। उसका क्या कारण होता है, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मिल्क क्रीम बटर एंड बटर ऑयल विद कॉपर और आयरन होने की वजह से एंड सनलाइट के एक्सपोजर से भी फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इससे इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टोरेज है जो मिल्क क्रीम बटर एंड बटर ऑयल की प्रॉपरली टिंड और एल्युमिनियम अलॉयज में या फिर स्टेनलेस स्टील वेसल्स में करनी चाहिए। वैक्यूमाइजिंग करना चाहिए गैस पैकेजिंग ऑफ बटर ऑयल को एंड एंटीऑक्सीडेंट्स को बटर ऑयल में बिफोर पैकेजिंग ऐड करना चाहिए एज अ प्रिजर्वेटिव एंड स्टोर करना चाहिए बटर ऑयल को ओपेक कंटेनर में। तो आज इस लेक्चर में हमने बटर ऑयल को डिटेल में स्टडी किया है, जिसमें हमने डेफिनेशन, कंपोजिशन, फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू, कीपिंग क्वालिटी, डिटेल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ बटर ऑयल, डिफेक्ट्स इन बटर ऑयल, जो कि अभी अभी हमने स्टडी किए। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।